सोशल मीडिया एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया पे होता यह है कि आपके एक पर्सनलाइज कंटेंट, पर्सनलाइज एक नेबरहुड क्रिएट हो जाता है। ऑफिस स्पेस में भी सोशल मीडिया का यूज तो खैर बहुत ही कॉमन है कि सोशल मीडिया पे वायरल होने वाला कंटेंट 90% एटलीस्ट क्रिंज होता है। तो जब आपकी इंटेंशन होती है ना कि आपने अपने आप को एंटरटेन करना, उनके रडार पे कंटेंट तभी पॉपुलर होता है जब नेक्स्ट लेवल क्रिंज हो। इतनी ऑडियंस की अटेंशन होगी और वो कैसे होगी, वो एंटरटेनमेंट के लिए बैठे और जो है उसको कंट्रोल करें, डाइवर्ट करें, डाइवर्ट करें अपने टेंशन को। एग्जैक्टली लेवल के ऊपर जाके इनकी स्टैंड अप कॉमेडी क्रिंज में तब्दील हो जाती है। एंटरटेनमेंट जरूरी तो नहीं है ना कि जो चीज आपको ऑकवर्ड करते हैं आपके लिए वही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट क्या होगी लोगों के लिए वो भी तो कोई फैक्टर्स है जो डिफाइन करते हैं ना। आजकल वायरल हुआ वो ग्रूव मेरा वाला है ना, अब वो एंटरटेनमेंट आपको किस चीज से मिलती है, मुझे किस चीज से मिलती है, वो एक अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एंडलेस कॉन्वर्सेशन की नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फहीम खान और मेरे साथ हैं एहसन इरफान। अच्छा खुद नहीं बोल देते होते, वेट कर रहे हैं मैं बोलूं। अच्छा पैन कॉस्ट का, हाँ आज का टॉपिक, आज का टॉपिक जो है वो हमारा सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स, वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारी सोसाइटी पे क्या रिफ्लेक्ट करते हैं और हम उन पे क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, थोड़ी सी इस बारे में हम कॉन्वर्सेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। ये सोशल मीडिया का जो ट्रेंड्स हैं, हाँ, ट्रेंड्स कहाँ से आए, कहाँ से? अच्छा असल में तो सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स आए ना, ये आए हैं आप क्योंकि सोशल मीडिया को कॉन्ट्रेरी टू द बिलीफ, सोशल मीडिया एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे होता ये है कि आपके एक पर्सनलाइज कंटेंट, पर्सनलाइज एक नेबरहुड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, होता यह है कि अब आप टाइम एंड अगेन इधर उधर दूसरे नेबरहुड्स में जाते हो, लेकिन एक आप एक एक खास जॉनरा होता है जिसके अंदर आप रहते हो, जो आपके इंटरेस्ट के ऊपर बेस होता है। इनके एल्गोरिदम्स फेसबुक को, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाटएवर, इन सब ऐसे काम करते हैं। ठीक है, अब सोशल मीडिया ट्रेंड्स ऐसे हैं जैसे किसी और नेबरहुड के अंदर कोई मेला लगा हो, आप जाते जरूर हो एक दफा उस मेले को देखने के लिए, चाहे आप डिसाइड करो कि ये मेरे बस की बात नहीं है और आप जो है ना वो वहां से जल्दी एग्जिट कर दो। तो ये सोशल मीडिया इस बेस के ऊपर ट्रेंड्स बनते हैं। अब इस बेस के ऊपर ट्रेंड्स कैसे बनते हैं, जो नेबरहुड जितना इन्फ्लुएंशियल होता है, और वो इन्फ्लुएंशियल क्यों होता है, वो इस बात के ऊपर होता है कि आपके पास ऑडियंस की जो अटेंशन है वो किस वक्त में है, किस टाइम ऑफ द डे में है। अगर आपकी यही ऑडियंस की अटेंशन आपको आप बिजनेस प्लेस के ऊपर अलाउ कर दो तो आपका आपकी जो टाइम ऑफ अटेंशन है 9 to 12 होगा, तो शायद आपको ज़्यादा मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम होता हुआ, ज़्यादा बिजनेस स्ट्रेटजीज कंज्यूम होती भी नजर आए। लेकिन चूंकि आपको ये वर्क प्लेस के ऊपर अलाउड नहीं है सोशल मीडिया, तो आप घर आते हो तो उस वक्त आपने अपने आप को बर्नआउट फेज से गुजर रहे होते हैं, आप अपने आप को ओके करा रहे होते हो, बस वो उस वक्त फिर मेला लग जाता है। ऐसे नहीं, अलाउड वाली बात जो आप कह रहे हैं अलाउड नहीं है, तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ये काफ़ी पहले मैं किसी IT एक्सपर्ट की भी मैं एक इंटरव्यू को सुन रहा था, जब वो अभी MSN मैसेंजर, वो स्काइप की जमाने का दौर था, वो उसमें भी वो भाई साहब बताते कहते थे मैंने आज तक किसी भी बड़े से बड़े ऑफिशियल को भी नहीं देखा जिसके सारी विंडोज के साथ एक MSN की भी विंडो ना खुली हुई हो। तो वो ये जो ऑफिस स्पेस में भी सोशल मीडिया का यूज़ तो खैर बहुत ही कॉमन है, ये कोई मतलब ये बात नहीं है कि सोशल मीडिया अलाउड नहीं है तो यूज़ नहीं हो रहा, तो वो तो सोशल मीडिया तो ऐसा घुस गया अंदर हमारी लाइफ के कि वो हमारे हर टाइम ही आ रहा है। अच्छा, इसमें मुझे जो चीज़ जो काइंड ऑफ डिलेमा समझ लें या इसको कन्फ्यूजन समझ लें, व्हाटएवर, जो भी, सोशल मीडिया पे वायरल होने वाला कंटेंट 90% एटलीस्ट क्रिंज होता है। क्रिंज कंटेंट वायरल होता है, हर बंदा गालियां भी दे रहा होता है उसको कि ये क्या हरकत करती है, लेकिन स्टिल क्रिंज कंटेंट चले जा रहा है, मिलियंस में व्यूज हो रहे हैं। ये हम साइकोलॉजिकली हमारा मसला है या क्या चक्कर क्या है? ये चक्कर ये असल में कि आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज किस लिए करते हो। आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज करते हो एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, आप उसको लर्निंग के लिए तो यूज नहीं करते, ठीक है। इसी तरह आप यूट्यूब को भी मोस्ट ऑफ द जो ऑडियंस है वो इसीलिए यूज कर रही होती है। तो जब आपकी इंटेंशन होती है ना कि आपने अपने आप को एंटरटेन करना, ठीक है, तो आप और एंटरटेनमेंट का क्या है, एंटरटेनमेंट का इस पर इकोनॉमिक थ्योरी लग जाती है कि आप ना जो है ना एक लेवल तक जाके आपका जब एक कंटेंट एक लेवल तक जाके आपको सेटिस्फाई करता है, उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल कंटेंट चाहिए अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए।
सेम गोज विद क्रिंज. अब आपका जब सेंस ऑफ ह्यूमर एक लेवल तक चला जाता है तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए होता है. इसी तरह जो लोग सोशल ऑकवर्डनेस क्रिंज कॉन्टेंट आया गया, सोशल ऑकवर्डनेस क्रिएट हो रही है, तो जो लोग सोशल ऑकवर्डनेस को देखते हैं या उसको कंज्यूम करते हैं, तो नेक्स्ट ऑन उनके रडार पे कंटेंट तभी पॉपुलर होता है जब नेक्स्ट लेवल क्रिंज हो. ठीक है, अब स्मार्टफोन्स आ गए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्री हो गया, आपको पैसे मिलते हैं भाईजान ऑडियंस की अटेंशन के. आप जितने ज्यादा ऑडियंस आप ये मींस कौन से यूज करते हो ये मैटर नहीं कर रहा, आपके पास ऑडियंस की अटेंशन होनी चाहिए ये मैटर कर रहा. ठीक है, अब आपके पास जितनी ऑडियंस की अटेंशन होगी और वो कैसे होगी, वो एंटरटेनमेंट के लिए बैठे. ठीक है, और एंटरटेनमेंट वो क्यों कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने आप को बर्नआउट करें. ठीक है, वो सॉरी बर्नआउट में कह रहा हूँ, वो अपने आप को अपना बर्नआउट जो है उसको कंट्रोल करें, डाइवर्ट करें अपने टेंशन को. एग्जैक्टली, और ये उनकी इंटेंशन है और इसके लिए वो एक ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं जो उनको एंटरटेन करे. और वो वहां पर सेंस ऑफ ह्यूमर से बात स्टार्ट होती है और फिर क्रिंज पे जाती है और फिर क्रिंज के नेक्स्ट लेवल्स के ऊपर जाती है. क्योंकि अगर आप कॉमेडी को भी देख लो, रसल पीटर को देख लो, एक लेवल के ऊपर जाके इनकी स्टैंड अप कॉमेडी क्रिंज में तब्दील हो जाती है. ठीक है, उसकी रीजन है ना, कॉमेडी है ना. अब कॉमेडी है, अगर आप रेगुलर कॉन्वर्सेशन कर रहे होगे किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा. ठीक है, जब आप इस कोई ऐसी बात कर देते हो ना जो 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 दिमाग में झटका क्रिएट करती है, या जो आप अकेले भी बैठे हो तो आप ऑकवर्ड हो जाते हो कि शुक्र है मेरे आसपास कोई नहीं बैठा, तो वो चीज फिर आपको अपने साथ जोड़ के रखती है, वहां पर आपकी अटेंशन पूरी तरीके से ग्रैब रहती है. नहीं, अगर देखे ना, हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जरूरी तो नहीं है ना कि जो चीज आपको ऑकवर्ड करते हैं आपके लिए वही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट तो कोई भी चीज हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन साहब ने, वो आइंस्टाइन की जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मैं फर्स्ट टाइम लेक्चर सुन रहा था ना, और ऑब्वियसली क्लास में तो गौर किया नहीं था. वो मुझे पता है, ध्यान नहीं दिया तुमने. हाँ, नहीं ऐसे ही है. तो बहरहाल जब मैंने पहली दफ़ा प्रॉपरली बैठ के मैं ऑनलाइन लेक्चर लिख ले रहा था, तो उसके अंदर वो बता रहे थे, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का लेक्चर वो 50 मिनट्स का था ऑलमोस्ट. वो मेरे लिए इतना एंटरटेनिंग था कि किस तरह से फिजिकल मटेरियल चेंज हो रहा है एनर्जी में, या वो किस तरह स्पीड ऑफ लाइट पे मास इन्फिनिटी की तरफ कैसे जा रहा है, लेंथ कैसे कम हो रही है, सोन. तो मेरे लिए वो एंटरटेनिंग था उस टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम के. तो एंटरटेनमेंट क्या होगी लोगों के लिए, वो भी तो कोई फैक्टर्स है जो डिफाइन करते हैं ना. असल में देखो, मैं इस पॉइंट को दोबारा लेकर आता हूँ. देखो, बात ये होती है कि आपके लिए एंटरटेनमेंट जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की आपके लिए एक एंटरटेनिंग था, जब आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कोई कंपैरिजन के अंदर कुछ देखोगे, तो आपको अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने जो डोपामिन दिया है या जो आपको एक्साइटमेंट दिया है ना, अब आप उससे नेक्स्ट लेवल कोई साइंस की फनकारी मिलेगी तो आपको मजा आएगा, वरना आपको मजा नहीं आएगा. गेम समझ आ गई. बाकी बात रही कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मुझे इंटरेस्ट है, या मुझे मोटिवेशन या पर्सनल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, या मुझे क्रिंज में इंटरेस्ट है, ये तो आपके पर्सनल जॉनर. मैंने कहा ना, नेबरहुड्स होंगे, नेबरहुड्स हैं, हर कोई एक दूसरे के नेबरहुड में टांका झांकी करता है. मार्स पे जो ये जो नया, अब देखो ना, अब एक वीडियो आया हुआ आजकल वायरल हुआ हुआ, ग्रूव मेरा वाला है ना. अब वो मार्स की जो ओरिजिनल वीडियो तुम्हें बता रहे थे, वो भी देखी हुई है. ठीक है, और उसके पीछे ग्रुप मेरा. अब वो भाईजान ने तांगा झांकी की, दूसरे जाके नेबरहुड में झांकी मारी, लेकिन वो बाहर नहीं आए अपनी हरकतों से. सही है, उन्होंने वहां पे अपनी फनकारी झाड़ दी. तो ये एक दूसरे के नेबरहुड में झांकना एक और बात है, उसके बुनियाद पर ट्रेंड्स का चलना एक और बात है, लेकिन एंटरटेनमेंट आपको किस चीज से मिलती है, मुझे किस चीज से मिलती है, वो एक डिफरेंट हो गया. तो क्रिंज यार, मां बाप को सामने बिठा के क्रिंज करा रहे होते हैं, वो क्या चाहिए यार. डिफरेंट है ना ये. एग्जैक्टली सेम जोक अगर आप पाकिस्तान में करोगे तो वो क्रिंज है. लेकिन अब बात हो रही है ट्रेंड्स की. अगर एक मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, हर मर्द में एक औरत छुपी है. अच्छा, और हर औरत में कौन सी बंदी थी तुम्हारी यार, क्या नाम था उसका भला. सही, बदले ना ले आप. ऑडियंस की टेंशन ग्रैब करनी है, फिर आप मीम्स नहीं देखते हो, फिर आप कहते हो उसने ये क्रिंज क्रिएट किया, मैं भाई नेक्स्ट लेवल क्रिंज क्रिएट करूंगा. किसी भी बंदे से आप पूछ रहे हो, टिकटॉक देखते हो, एक दफा वो परेशान हो जाएगा कि मैंने हाँ कहना है ना कहना. आपकी टेंशन ग्रैब हो रही है, तुम चाहते हो कि पूरा मोहल्ला ऑन करे कि वो ना सिर्फ टिकटॉक देखता है बल्कि क्रिंज वाला टिकटॉक देखता है.
जनरल जुगत चल रही होती तो ऐसे ही नहीं, वो जेरे लग मुस्कुरा रही होती, उसकी रीजन है। जो मेरे बोल है वही सोसाइटी के बोल है। टॉप पे जाए तो उन लीडर्स का है, घर में आ जाए तो माँ बाप का है। वो अर्तगुल वाला और वो यासिर हुसैन ने जो बात करती थी उस पर जी ये पाकिस्तानी कॉन्टेंट क्यों नहीं प्रमोट हो रहा, उन्होंने वैलेंटाइन से अट्रैक्ट हो गया ना, इतना फीडबैक किसी कॉन्टेंट पे नहीं आया। नॉवल कॉन्सेप्ट को कूल बनाना होगा, आपको पर्सनल डेवलपमेंट को कूल बनाना होगा।